तो एक ही जॉब तक में आप सबका स्वागत है। आज न्यू अपडेट के साथ जुड़ा हूँ। ये अपडेट निकल के आया है दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का जॉब आ चुका है। आप देख सकते हैं, ये रहा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। और जो ये स्टार्ट कब से हुआ है फॉर्म, 17 मई 2022 से लेकर 16 जून 2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और पेमेंट करने का लास्ट डेट कब तक है, 17 जून तक। और ऑफलाइन कब तक कर सकते हैं, 18 जून तक ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। और अगर डेट ऑफ करेक्शन की बात करें तो 21 जून से लेकर 25 जून तक करेक्शन कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम रखा गया CBTU, वो आपको सितंबर 2022 में रखा गया एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम देना है दिल्ली पुलिस के अंदर में है। मैंने डेट बता दिया आपको। अब इसमें अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है, कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। इसका लेवल 4 का जॉब देख सकते हैं आप, जो 25,500 लेकर से 81,100 रुपये तक आपके रहेंगे। और इसमें टोटल सीट है आपके देख सकते हैं 559 है, यानी 559 सीट है, जिसमें ओपन कैंडिडेट यानी जनरल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं 217 है, EWS के लिए 50 है, OBC के लिए 123 है, SC के लिए आपको 59 है, 59 है, और ST के लिए 54 है। टोटल आपको 503 यानी 503 नंबर है। एक सर्विसमैन के लिए देख सकते हैं, इसमें एक सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है। टोटल आपको 559 सीट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीमेल है, आप देख सकते हैं फीमेल की अलग सीट है, 200 आपको 76 सीट है, 267 सीट है, जिसमें आपका जनरल के लिए 119 है, EWS के लिए 28 है, OBC के लिए 69 है, और SC के लिए आपको 32 है, और ST के लिए आपको 30। टोटल सीट आपको फीमेल के लिए टोटल सीट आपको है 276 यानी 276 सीट है। ऐसी आप देख सकते हैं। और जिनका दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी जॉब है, एक सर्विस में 10% का छूट दिया जाएगा। और एज कब से है, ये 18 साल से लेकर 25 साल है। काउंट कब से होंगे, 1/1/2022 से काउंट होंगे, आप देख सकते हैं। और इसमें जो कैंडिडेट SC ST के हैं उनके 5 साल, जो OBC के लिए है उनको 3 साल छूट दिए जाएंगे। SC ST वाले के 5 साल, OBC के लिए 3 साल छूट दिए जाएंगे, देख सकते हो। ये रहा आप, और इसमें आपको दिल्ली पुलिस के है मिनिस्ट्री ऑफ के अंदर में है। और जिनका दिल्ली पुलिस में MTS में जॉब लगा हुआ है, उनको हाइट में 5% और चेस्ट में 5% की छूट दी जाएगी, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसमें दिल्ली पुलिस MTS के अंदर में, एमनिस्ट्री के अंदर में आप देख सकते हैं। जो एग्जामिनेशन है आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है आपका एयरफोर्स नेवी के बारे में कि आपको कहीं भी मिनिस्ट्री के अंदर में आपको रहना होगा इसमें। और जो इनका क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं, सेंसिल क्वालिफिकेशन, सिर्फ 12th पास रखा गया है इसमें। 12th पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें आप कोई भी हो ब्रांच से तो आप भर सकते हैं। जिसमें आपको इंग्लिश में अगर टाइपिंग करना है तो 30 का स्पीड है, हिंदी में आपको 25 यानी 25 का स्पीड पर मिनट होना चाहिए। दिल्ली पुलिस के मिनिस्ट्री के अंदर में है और दिल्ली पुलिस सेंटर के अंदर में आते हैं, सेंट्रल जॉब है। अगर आपके पास NCC है तो 5% छूट दिया जाएगा NCC वालों के, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है तो आपको, अगर आपको 5% की छूट दिया जाएगा। फर्स्ट डिवीजन 4%, सेकेंड पास है 2% के आपको इसमें छूट दिया जाएगा। अगर ये सब है आपको तो आप फिल कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। अप्लीकेशन फ़ी कितने हैं, 100 रुपये है। अप्लीकेशन फ़ी सिर्फ 100 रुपये रखा गया है, बहुत अच्छी बात है। जो अप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये रखा गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको सेंट्रल ऑफ एग्जामिनेशन के कहाँ कहाँ सेंटर दिए जाएंगे, ये ऑल ओवर इंडिया में है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, फुलबिहार, धनबाद, ये हर जगह आपको दिया गया है। हुबली, ये हर जगह सेंटर है, दिल्ली, भोपाल, पटना, UP, हर जगह है, ऑल ओवर इंडिया में है एग्जामिनेशन सेंटर रखा है जहाँ। और इसका एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको।
इसे बोला है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे जिसमें आपको 100 मार्क्स के रहेंगे, और जो आपका फिजिकल एजुकेशन है और टेस्ट है, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना है आपको। और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर दिल्ली का होगा उसमें आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा। कंप्यूटर और परफॉर्मिंग टेस्ट आपको दिल्ली पुलिस से क्वालिफाइंग है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई है, और फिजिकल आपको जो एजुकेशन है ये भी आपके क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। जो टाइपिंग है ये आपको 25 मार्क्स के, आप देख सकते हैं। टोटल आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 0.5 का आपका नेगेटिव पार्क है, जिसमें आपको जनरल अम्बेयर्स का 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर का, और आपको अर्थमेटिक आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। ऐसे ही आपको रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, आपको इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और कंप्यूटर रहेगा, एमएस एक्सेल रहेगा, एमएस वर्ड रहेंगे, कम्युनिकेशन इंटरनेट, WWW ब्राउजर, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबर, टोटल आपको 100 नंबर के रहेंगे। आप देख सकते हैं सिलेबस भी इसके अच्छे दिए गए हैं, और ये सारे सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं सारे सिलेबस डिटेल में है, जिससे आप क्या क्या पढ़ना है आपको पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम को फाइट करना है तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस में क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और क्वालिफाई करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर, अगर 30 साल से ऊपर है तो आपको 7 मिनट दिया जाएगा, 30 से 40 है तो 8 मिनट, 40 से तो आपको 9 मिनट दिया जाएगा। जंप वगैरह में भी आपको छूट दिया जाएगा, देख सकते हैं हाई जंप लॉन्ग जंप में। तो ये सब अच्छे कैंडिडेट हैं, जो मतलब जिनको जॉब है चाहे जिनके रिलेशन मिलते हैं उनके लिए छूट दिया जाता है। और हाइट है 165, आप देख सकते हैं, रिलैक्सेशन 5% मिलेगा अदर कैंडिडेट को, हाइट भी ठीक है जिससे आप आराम से भर सकते हैं। चेस्ट है आपको 78, फुल आपको 82 होना चाहिए, ये सब आपके। और फीमेल के लिए 157 हाइट है, फीमेल के लिए बहुत अच्छे हैं। तो फिजिकल मेजरिंग में क्या क्या है देख सकते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है वो भी आप देख सकते हैं। सिलेबस इसका ठीक दिया गया है जिससे आप आसानी से पास कर सकते हैं, सब क्वालिफाई मार्क्स है इसमें, क्वालिफाई मार्क्स है जिससे आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर सिलेबस आपके है तो। ये देख सकते हैं कि टाइपिंग टेस्ट है 10 मिनट में रहेंगे इंग्लिश का, और ये आपका कंप्यूटर फॉर्मेट है, क्वालिफाइंग है भी देख सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। एमएस पॉइंट, पावर पॉइंट, टाइम 10 मिनट रहेगा, ये सब दिया है सिलेबस, जिससे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, सारे सिलेबस इसमें दिया गया है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। चलिए, मैंने आपको सारा डिटेल मैंने बता दिया, कब पेपर होंगे, एग्ज़ाम कब है, हर चीज़ मैंने बता दिया, कॉल लेटर कैसे आएंगे, एडमिशन कैसे करना है, एग्जामिनेशन कैसे, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, फॉर्म एसएससी के थ्रू है। अगर आप एसएससी का पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो सिंपल आपको लॉग इन करना है और फिर फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर नहीं है तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को अप्लाई करना है, एसएससी के थ्रू है। इसमें 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड फोटो, सारी डिटेल आपको चाहिए जिससे आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग लगाना है। मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होंगे, जिसमें आपको CV2 एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल होगा, टेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, मेडिकल होगा, जिससे आप आसानी से फाइट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।